Yes friends, how are you all? So friends, as you all know, we have started the CA Inter Company Law revision, and from that we have completed 4 chapters so far. One is the declaration of dividend, then the accounts of the company, then the audit and auditors also. Okay? So today we are going to continue with another chapter from your company law. Again important chapter from your exam point of view. एग्जाम में इसके ऊपर सवाल आ ही सकता है बिकॉज जो पास्ट एक्सपीरियंस है उससे मुझको लगता है कि एक सवाल तो इसके ऊपर बनेगा. एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ द सिक्योरिटीज. तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम विल स्टार्ट द रिवीजन ऑफ दैट चैप्टर. यस, तो बेसिकली हम इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं? तो इस चैप्टर में हम लोग बच्चों ये पढ़ने वाले हैं कि किस प्रकार से कंपनी अपने सिक्योरिटीज को इश्यू करती है, बिकॉज कंपनी को चलाने के लिए चाहिए होता है पैसा, और पैसे के बिना कंपनी नहीं चलेगी. तो कंपनी को अगर पैसे की जरूरत है तो कंपनी क्या करती है, बहुत सारी सिक्योरिटी जो है वो पब्लिक को इश्यू करती है या फिर प्राइवेटली लोगों को इश्यू करती है. तो उस इश्यू करने का प्रोसीजर क्या है, ये इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. ठीक है, देखो यहाँ पे आपको फर्स्ट चार्ट दिख रहा है, इश्यू ऑफ सिक्योरिटीज. तो अगर मान लीजिए पब्लिक कंपनी है तो उसके पास प्रोस्पेक्टस या फिर पब्लिक ऑफर एक तरीका है, उसके पास वो प्राइवेट प्लेसमेंट के जरिए भी सिक्योरिटीज इशू कर सकती है, उसके पास राइट इशू है और बोनस इशू. व्हाट इज राइट इशू? राइट इशू यानी कि अपने एग्जिस्टिंग लोगों को इशू करना, बोनस इशू यानी कि अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को वो फ्री ऑफ कॉस्ट क्या कर रहे हैं, कुछ एडिशनल शेयर्स क्या कर रहे हैं, इशू कर रहे हैं. तो ये तरीके हैं फॉर इशूइंग द सिक्योरिटीज बाय द पब्लिक कंपनी. वही अगर मैं प्राइवेट कंपनी की बात करता हूं तो उसके पास बस 3 ही तरीके हैं. पहला है प्राइवेट प्लेसमेंट, राइट इशू, बोनस इशू. इस चार्ट से हम लोग बच्चे ये सीखे कि जो प्राइवेट कंपनी है उसको पब्लिक ऑफर करने का जो प्रिविलेज है वो अवेलेबल नहीं है. ठीक है, मतलब कि प्राइवेट कंपनी पब्लिक ऑफर नहीं कर सकती. ओनली पब्लिक कंपनी कैन डू पब्लिक ऑफर एज वेल एज दे कैन डू प्राइवेट प्लेसमेंट, लेकिन प्राइवेट कंपनी प्राइवेट प्लेसमेंट के जरिए ही सिक्योरिटीज को इश्यू करती है. सेक्शन नंबर 42 में डिटेल में इसका प्रोसीजर बताया हुआ है, हम इस रिविजन सेशन में उसको भी कवर करने वाले हैं. ठीक है, हाँ, उसके बाद अगर कंपनी मान लो पब्लिक ऑफर कर रही है, जो पब्लिक कंपनी है, उसके बाद पब्लिक ऑफर करने के भी 3 तरीके हैं. एक है आईपीओ, यानी कि जब कंपनी पहली बार अपने सिक्योरिटीज को इश्यू करती है तो उसको बोलते हैं आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर. उसके बाद नेक्स्ट टाइम जब कंपनी वही शेयर इशू करती है या फिर उस क्लास के शेयर इशू करती है तो उसको बोलते हैं फर्दर पब्लिक ऑफर, या फिर उसको कॉमनली भाषा में फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर भी बोला जाता है. एंड लास्ट वन है ऑफर फॉर सेल ऑफ द सिक्योरिटीज, यानी कि ये पब्लिक के नहीं होते, ऑफर फॉर सेल. सेक्शन नंबर 28 में आपको बताया हुआ है कि प्रमोटर्स या कंपनी के डायरेक्टर्स अपने ही शेयर कंपनी के थ्रू बेचते हैं, उसको बोलते हैं ऑफर फॉर सेल. ये भी हम लोग देखेंगे, इसका भी रिविजन करेंगे. यस, तो यहां पे देखते हैं कि अगर मान लेते हैं कंपनी को, जो पब्लिक कंपनी है, अगर उसको अपने सिक्योरिटीज को पब्लिक को इशू करना है तो सबसे पहले सबसे बेसिक डॉक्यूमेंट जो कंपनी को इशू करना होता है वो होता है प्रोस्पेक्टस. ये प्रोस्पेक्टस ही होता है बच्चों जिसके जरिए इन्वेस्टर्स को बात पता चलती है कि कंपनी क्या चीज है. सो कंपनी के बारे में ऑल एंड ओवर अगर इंफॉर्मेशन हमको पास ऑन करनी है अपने प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स को तो फिर हम लोगों को उनको इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी, कंपनी के बारे में इन डिटेल इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी, और ये बात हम लोग एक डॉक्यूमेंट के जरिए देते हैं, उसको बोलते हैं प्रोस्पेक्टस. अब ये प्रोस्पेक्टस का मतलब देखो यहाँ पे बताया, आई थिंक सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 41 में प्रोस्पेक्टस का डेफिनेशन डिफाइन है. प्रोस्पेक्टस का मतलब होता है अ डॉक्यूमेंट व्हिच डिस्क्राइब्स और इशूड एज अ प्रोस्पेक्टस. तो ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट जो डिस्क्राइब किया गया है एज अ प्रोस्पेक्टस या फिर इशू किया गया है एज अ प्रोस्पेक्टस, उसको प्रोस्पेक्टस बोलते हैं. उसमें 3 प्रकार होते हैं, एक होता है रेडरिंग प्रोस्पेक्टस, दूसरा होता है शेल प्रोस्पेक्टस, और एक होता है एब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस. ठीक है, वो भी हम लोग देखेंगे. एंड ये क्यों इशू किया जाता है? इट इज इशूड फॉर सब्सक्रिप्शन ऑफ एनी सिक्योरिटी ऑफ एनी बॉडी कॉर्पोरेट, यानी कि बंदे को, जो भी हमारे इन्वेस्टर्स हैं, उनको अगर हमने मान लो कुछ सिक्योरिटी इशू करना है तो उसके लिए कंपनी के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो हम लोग इस प्रोस्पेक्टस में लिख करके उनके सामने रख देते हैं. इट इंक्लूड्स एनी काइंड ऑफ नोटिस, सर्कुलर, एडवर्टाइजमेंट एंड एनी अदर डॉक्यूमेंट व्हिच इज इशूड फॉर इनवाइटिंग द सब्सक्रिप्शन फ्रॉम द पब्लिक. तो नोटिस हो, सर्कुलर हो, एडवर्टाइजमेंट हो, या फिर कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट आपने प्लेन पेपर पे भी लिख के कंपनी की इंफॉर्मेशन दे दी और बोला कि इसके जरिए आप हमारी कंपनी को अप्लाई करो, सब्सक्रिप्शन हमारी कंपनी को दे दो, तो वो सेम प्लेन पेपर भी क्या माना जाएगा, आपका प्रोस्पेक्टस माना जाएगा, और उसको ये प्रोस्पेक्टस के सारे प्रोविजन लागू हो जाएंगे. आगे बढ़ते हैं कि ये प्रोस्पेक्टस में लिखा क्या जाता है सर. ठीक है, तो जो भी कागज आप इशू कर रहे हो, ठीक है ना, जिसके जरिए आप पब्लिक से सब्सक्रिप्शन इनवाइट कर रहे हो, तो उस कागज को प्रोस्पेक्टस बोलते हैं. और उस कागज में आप क्या लिखेंगे, पहला प्रोस्पेक्टस के ऊपर डेट होना चाहिए, यानी कौन से डेट पे आप क्या कर रहे हो, प्रोस्पेक्टस इशू कर रहे हो. ठीक है ना, इट शुड बी साइंड बाय डायरेक्टर, प्रपोज डायरेक्टर और अटॉर्नी ऑफ डायरेक्टर्स, कॉमनली नोन एज इट शुड बी साइंड बाय द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी. उसके बाद कंपनी की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो होती है, मतलब कि कंपनी के पिछले 3 साल के वगैरह फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स वगैरह ये सारी बातें होती है। कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसा है, कंपनी का नेट प्रॉफिट कितना है, शेयर कैपिटल कितना है, ये सारी बेसिक डॉक्यूमेंट इसमें आएगी। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट उसमें होता है डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन किस चीज का, कि जो हम लोग इश्यू कर रहे हैं इसके लिए जो भी कंपनीज एक्ट के रेगुलेशंस है, प्रोविजंस है, उसको हमने कंप्लाई कर दिया है। एंड नथिंग इन द प्रोस्पेक्टस इज कॉन्ट्रारी टू कंपनीज एक्ट, सेबी एंड सिकरा। ये डिक्लेरेशन क्या करेंगे, कंपनी के डायरेक्टर्स लिख करके दे देंगे। उसके बाद इस प्रोस्पेक्टस में एक्सपर्ट के रिपोर्ट भी होते हैं, ठीक है ना। जो कि एक्सपर्ट यानी कि कौन, जो भी बंदा जो उस प्रोस्पेक्टस को इश्यू कर रहा है उसमें एक्सपर्ट करके जिसका नाम लिखा हुआ है, जैसे कि प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गए या फिर कंपनी सेक्रेटरी हो गए, ये एक्सपर्ट होता है जो कंपनी को मदद करते हैं कि ये इश्यू वगैरह करे। तो ये जो एक्सपर्ट्स है जिनका नाम एक्सपर्ट करके लिखा हुआ है इस प्रोस्पेक्टस में, तो उनका रिपोर्ट यहाँ पे लिखा जाएगा। और वो क्या लिखेंगे, एक्सपर्ट क्या लिखेंगे, दैट दे आर नॉट एंगेज इन द इंटरेस्ट ऑफ फॉर्मेशन एंड प्रमोशन ऑफ द कंपनी। वो किसी प्रकार से कंपनी को फॉर्मेशन में, इनकॉर्पोरेशन में इन्वॉल्व नहीं है। एक्सपर्ट्स ने अपना कंसेंट विड्रॉ नहीं किया है बिफोर इश्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस, एंड एक्सपर्ट्स मस्ट गिव द कंसेंट इन राइटिंग। तो अगर आपका नाम एक्सपर्ट करके लिखना है उस प्रोस्पेक्टस में तो आप दे सकते हो, आपको उसके लिए कंसेंट देना जरूरी है और आपने प्रोस्पेक्ट इशू करने से पहले वो कंसेंट विड्रॉ नहीं करना चाहिए। कवर पेज ऑफ प्रोस्पेक्टस शैल स्टेट द कॉपी हैज बीन डिलीवर्ड टू आरओसी। प्रोस्पेक्टस में ये बात लिखना जरूरी होता है कि हमने ये प्रोस्पेक्टस आरओसी को पहले इशू कर दिया है। मतलब अगर कोई भी प्रोस्पेक्टस पब्लिक को इशू होना है तो उसके पहले हमको उसको आरओसी के पास सबमिट करना पड़ता है, फिर जाके हम लोग प्रोस्पेक्टस क्या कर सकते हैं, पब्लिक को इशू कर सकते हैं। और प्रोस्पेक्टस में प्रोमिनेंटली मैनर में आपको ये लिखना जरूरी है कि हमने ये प्रोस्पेक्टस इस डेट पे आरओसी को इशू कर लिया है, एंड रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स अटैच टू सच कॉपी विच इज डिलीवर्ड टू आरओसी। तो प्रोस्पेक्ट के साथ साथ जो भी एक रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मान लेते हैं हमने प्रोस्पेक्टस में शेयर की कीमत, डिबेंचर की कीमत, प्रेफरेंस शेयर की कीमत डिफाइन की है और उसका वैल्यूएशन रिपोर्ट अपने पास है, तो वैल्यूएशन रिपोर्ट में हमने आरओसी को सबमिट कर लिया जो हम इस प्रोस्पेक्टस के जरिए आपके पास दे रहे हैं। तो ये कंटेंट्स अपने प्रोस्पेक्टस हो गए कि प्रोस्पेक्टस में कौन-कौन सी बातें लिखना जरूरी है। अब प्रोस्पेक्टस में हम लोग ये भी लिखता है द ऑब्जेक्ट फॉर विच वी आर व्हाट इशूइंग द सिक्योरिटीज। मान लेते हैं कंपनी को कुछ नया प्लांट वगैरह बनाना है या फिर कंपनी को कुछ नया इन्वेस्टमेंट करना है। कंपनी को जैसे कि टाटा मोटर्स को क्या करना है, अपने एक गाड़ी है जिसका नाम है हैरियर, तो हैरियर का एक नया प्लांट लगाना है। तो प्लांट लगाने के लिए बहुत पैसे की जरूरत होती है, तो अगर प्लांट लगाने के लिए इतने सारे पैसे की जरूरत है तो इसलिए कंपनी क्या कर रही है, अपने सिक्योरिटीज इशू कर रही है। तो प्रोस्पेक्टस में लिख करके देखिए कि टाटा मोटर्स इस पर्पज के लिए हैरियर का एक नया प्लांट लगाना है, उसके लिए कंपनी को पैसे की जरूरत है और इसलिए हम लोग ये सिक्योरिटीज चाहे डिबेंचर हो, शेयर्स हो, प्रेफरेंस शेयर्स हो, डिपॉजिट हो, जो भी हो, वो हम लोग क्या कर रहे हैं, इशू कर रहे हैं। अब बताएंगे क्या कंपनी जिस पर्पस के लिए उस प्रोस्पेक्टस को इशू करके उन्होंने पैसे उठाए हैं, क्या उस पर्पस को छोड़ के कुछ दूसरे पर्पस के लिए जो पैसे उठाए हैं क्या उसका इस्तेमाल कर सकती है? तो आंसर इज बिग नो, आप ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, आप ऐसा कर भी सकते हो। तो यहाँ पे ये प्रोसेस फॉलो करके, तो प्रोसेस फॉर वेरिएशन इन द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द प्रोस्पेक्टस सच एज अ ऑब्जेक्ट। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जनरल मीटिंग का स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। जिस भी बंदों से आपने वो पैसे उठाए हैं उन मेंबर्स का स्पेशल रेजोल्यूशन पास करवाओ और उनसे अनुमति मांगो कि क्या हम लोग इस पर्पस को छोड़ के, जैसे कि हैरियर का प्लांट लगाना है इसलिए हमने क्या पैसे उठाए हैं। अब कंपनी क्या करना चाहती है, एग्जिस्टिंग जो कंपनी के प्लांट्स है उसके रिपेयर मेंटेनेंस के लिए वो पैसे इस्तेमाल करना चाहती है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जिनसे भी आपने ये पैसे उठाए हैं उनका एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करो और ये चीज क्या करो, आप पब्लिश करो न्यूज़पेपर में, इंक्लूडिंग जस्टिफिकेशन फॉर सच वेरिएशन। क्यों आप ऐसा करना चाहते हैं? जैसे कि कंपनी के मान लेते हैं कि ये कोरोना के चक्कर में क्या हो गया, नई गाड़ी लॉन्च करना बहुत ही रिस्की है, इसलिए हम लोग इस पैसों को एग्जिस्टिंग कार के प्लांट्स के रिपेयर मेंटेनेंस के लिए लगा रहे हैं। एंड अगर मान लेते कुछ लोग अगर चाहते कि नहीं हमने तो आपको इस पर्पज के लिए दिया था, हम आपको मान्यता नहीं देते, जैसे कि स्पेशल रेजोल्यूशन केस में क्या होता है, 75% लोग, ओके जनरली 75% लोग इसमें आते हैं। तो मान लेते हैं 100 लोगों से हमने पैसे उठाए थे, उसमें से मान लेते हैं कि 90 लोग बोल रहे कि हाँ आप चेंज कर लो, हमें आप पे पूरा भरोसा है। लेकिन 10 लोगों का क्या 90%, मतलब कि स्पेशल रेजोल्यूशन तो पास हो गया बिकॉज़ 70% से ज्यादा है। तो ये 10 लोगों का क्या, तो 10 लोगों को हमको क्या करना है, एग्जिट ऑफर दे देना। एग्जिट ऑफर यानी कि वो अपने शेयर्स क्या कर सकते हैं, बेच सकते हैं, वो अपने सिक्योरिटीज बेच सकते हैं। किसको बेचेंगे, वो बेच सकते हैं अपने कंपनी के प्रमोटर्स को। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, प्रोस्पेक्टस के टर्म्स को वेरिएट कर सकते हैं। मार्केट इज वेरी इंपॉर्टेंट, छोटा सा पॉइंट है लेकिन केस स्टडी सवाल इसके ऊपर जरूर बन सकता है। आगे बढ़ेंगे, पेनल्टी फॉर कॉन्ट्रावेंशन ऑफ सेक्शन 26। अगर आपने सेक्शन नंबर 26, व्हाट इज सेक्शन नंबर 26? सेक्शन 26 यानी कि मैटर्स टू बी स्पेसिफाइड इन प्रोस्पेक्टस, तो ये रहा सेक्शन नंबर 26 यहाँ पे लिखा है। देखो, तो आपने अगर प्रोस्पेक्टस में जो बातें लिखनी है, अगर आपने वो सही ढंग से नहीं लिखी या फिर आपने उसमें कुछ गलत सलत बातें लिखी तो आपको पेनल्टी कितनी लगेगी, तो कंपनी के ऊपर 50,000 से लेके 3 लाख की पेनल्टी होगी। और एनी अदर पर्सन नोइंगली पार्टी टू द इश्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस, तो उस पार्टी को यानी कि ऑफिसर इन डिफॉल्ट को 50,000 से लेके 3 लाख 703 साल तक की जेल, एक दिन का भी हो सकता है, वो 3 साल तक आगे बढ़ सकता है या फिर दोनों भी हो सकते हैं, यानी कि 50,000 से लेकर 3 लाख मॉनिटरी या फिर जेल या फिर दोनों भी आपको हो सकती है, ठीक है ना। अब प्रोस्पेक्टस में मैंने आपको ये बताया था कि प्रोस्पेक्टस के 3 प्रकार होते हैं, एक होता है रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, दूसरा होता है शेल्फ प्रोस्पेक्टस और तीसरा होता है एब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस। तो इन प्रोस्पेक्टस के प्रकार को देख लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको एक बार ढंग से रिवाइज करेंगे। तो पहला प्रोस्पेक्ट है शेल्फ प्रोस्पेक्ट। देखो यहाँ पे शेल्फ प्रोस्पेक्ट का मतलब क्या है, ए प्रोस्पेक्टस इन रिस्पेक्ट ऑफ व्हिच द सिक्योरिटीज और class of securities are issued for a subscription in one or more issues over a certain period without the issue of further prospectus। तो देखो रूल ऐसा है कि जब कभी भी कंपनी अपने सिक्योरिटीज को इशू करेगी तब कंपनी ने क्या करना है, एक नया प्रोस्पेक्टस इशू करना है। और जो कंपनी जिनको पैसे की हमेशा जरूरत होती है, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी हो गई, ठीक है, उनको बार बार पैसे की जरूरत है, तो बार बार वो साल में क्या करते हैं, 8-10 बार अपनी इशू लेके आता है, उसमें बहुत सारे सिक्योरिटीज इशू करते हैं। तो कंपनी को बार बार ये प्रोस्पेक्टस बनाओ और फिर फाइल करो, फिर ये फलाना बातें करो, कितना समय जाता है। तो इसीलिए इन सारी कंपनीज को जिनको पैसे की बहुत जरूरत होती है उनके लिए एक प्रोविजन लाया गया है जिसका नाम है शेल्फ प्रोस्पेक्टस। अब ये क्या करेंगे, साल में एक बार ही एक प्रोस्पेक्टस बना के छोड़ देंगे जिसका नाम है शेल्फ प्रोस्पेक्टस, ठीक है। इस शेल्फ प्रोस्पेक्टस में वो बहुत सारे सिक्योरिटीज के नाम लिख करके दे देंगे और ये आरओसी को देंगे और आरओसी को बोलेंगे, देख आरओसी, ये मैंने शेल्फ प्रोस्पेक्टस एक बार बनाया है, अब इसका इस्तेमाल करके मैं अगले 1 साल तक क्या करूंगा, नए सिक्योरिटीज इशू करूंगा, मैं हमेशा बार बार प्रोस्पेक्टस नहीं बनाऊंगा, क्योंकि प्रोस्पेक्टस में जो सारी बातें वो डुप्लीकेट होगी ना भाई, 1 साल में क्या चेंज होता है। तो मैं एक बार प्रोस्पेक्टस बनाऊंगा और ये मैं तुमको दूंगा और इसका इस्तेमाल करके मैं पूरे साल भर में क्या करता जाऊंगा, सिक्योरिटीज इशू करते जाऊंगा। तो इसलिए इसको बोलते हैं शेल्फ प्रोस्पेक्टस। एक बार हमने प्रोस्पेक्टस बनाया और उसको शेल्फ में रख दिया और उसका इस्तेमाल करते हम लोग क्या करेंगे, 1 साल तक क्या करेंगे, उस प्रोस्पेक्टस के का यूज करके हम लोग सिक्योरिटीज क्या करेंगे, इशू करेंगे। लेकिन हाँ, इस प्रोस्पेक्टस की वैलिडिटी कहां से लेके कहां तक होती है, मान लेते हैं आपने शेल्फ प्रोस्पेक्टस इशू किया और उसके जरिए आपने एक पहला इशू निकाला और उस पहले इशू का जो फर्स्ट ऑफर ओपन होगा, फर्स्ट ओपन ऑफर यानी कि फर्स्ट ऑफर ओपन हो जाएगा, फर्स्ट ऑफर ओपन हो जाएगा, वहां से लेके 12 महीने यानी कि 1 साल माना जाएगा। कहां तक, ये 12 महीने जब खत्म हो गए, मान लेते हैं कि 1-1-2020 को आपने बनाया तो 31 दिसंबर 2020 को ये खत्म हो जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? या फिर मैं बोलता हूं कि 15 अगस्त 2020 को आपने अपना पहला ऑफर ओपन किया, नॉट फ्रॉम द डेट ऑफ प्रोस्पेक्टस, डेट ऑफ प्रोस्पेक्टस कुछ और हो सकता है, मतलब शेल्फ प्रोस्पेक्टस मैंने बनाया था ऑन द 1 अगस्त 2020, तो यहां से 12 महीने मत गिनना, आप गिनेंगे कि 1 अगस्त पे प्रोस्पेक्टस इशू किया, लेकिन उस प्रोस्पेक्टस के इस्तेमाल करके आप जो पहला इशू लेके आएंगे उस इशू, वो इशू जब ओपन होगा फॉर पब्लिक टू सब्सक्राइब, तो उस ओपनिंग से लेके 12 महीने यानी कि 15 अगस्त से लेके 12 महीने यानी कि 14 अगस्त 2021 तक ये क्या रहेगा, वैलिड रहेगा, यानी कि 1 साल तक ये क्या रहेगा, प्रोस्पेक्टस वैलिड रहेगा। हाँ, अब एक सवाल और जरूर है, अगर मान लेते हैं 1-1-2020 से लेके 31 दिसंबर 2020 तक अगर ये वैलिड है यानी कि 1 साल के लिए, 1 ईयर के लिए अगर ये वैलिड है, तो बताएंगे इस दौरान कंपनी में कुछ बहुत सारे बदलाव भी हो सकते हैं। तो मान लेते हैं कि हमने एक पहला इशू लेके आए 10 जनवरी 2020, अब सेकेंड इशू जो कंपनी लेके आ रही है वो लेके आ रही है मान लेते हैं ऑन द 1 जून 2020, मतलब कि 6 महीने का गैप हो गया। अब 6 महीने में बहुत सारी कंपनी में बदलाव हो सकते हैं, तो यहाँ पे उन्होंने ये बोला है कि आपको अभी नया प्रोस्पेक्टस इशू करने की जरूरत नहीं है, फ्रॉम दिस ऑफर टू दिस ऑफर कुछ चेंजेस अगर हुए हैं, तो कंपनी ने क्या करना है, नया प्रोस्पेक्टस इशू करने के बदले आपने क्या करना है, इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम, बहुत जबरदस्त चीज है, इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम क्या करना है, इशू करना है। अब ये इशू करने का टाइम लिमिट क्या है, ये इशू करने की, ये सबमिट करने का टाइम लिमिट है जब आप सेकंड इशू लेके आ रहे हो ऑन दी 1 जून 2020, यहां पे जो आप लेके आ रहे हो ना, इसके पहले 1 महीना, 1 मंथ बिफोर, 1 मंथ यानी कि 1 मई 2020 या फिर उससे पहले आपने इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम इशू करना है, सबमिट करना है आरओसी को। इसमें क्या लिखा जाएगा, चेंजेस इफ एनी, मटेरियल चेंजेस इफ एनी विच विल which will change the decision of the prospective investor। तो वो मटेरियल चेंजेस आप लोग क्या करेंगे उस इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम में लिख के एक महीना पहले, यानी कि जो सेकंड इशू लेके आना चाहते हैं उसके एक महीना पहले आप आरओसी को, सेबी को या फिर इन्वेस्टर्स को इशू करेंगे, ताकि लोग सेल्फ प्रोस्पेक्टस और इस इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम दोनों को साथ में पढ़े और अपना डिसीजन ले ले। क्योंकि अगर पुराना सेल्फ प्रोस्पेक्टस हम लोग अगर रेफर करेंगे तो उसमें तो पुरानी इंफॉर्मेशन है, इसमें लेटेस्ट इंफॉर्मेशन अवेलेबल रहेगी जैसे कि उन्होंने नया प्रोस्पेक्टस ही इशू किया है। ठीक है, तो ये बात आप जरूर याद रखेंगे इसमें सेल्फ प्रोस्पेक्टस में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। अब इसको रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस क्यों बोला जाता है? देखो यहाँ पे प्रोस्पेक्टस विच डज नॉट इंक्लूड द कंप्लीट पर्टिकुलर्स अबाउट द क्वांटम, वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे प्रोस्पेक्टस जिसमें हम कितना इशू कर रहे हैं या फिर कितने प्राइस पे इशू कर रहे हैं इसकी इंफॉर्मेशन नहीं होती है। जनरली जो लोग प्रोस्पेक्टस इशू करते हैं नॉर्मल प्रोस्पेक्टस, इसमें हम लोग कौन से सिक्योरिटीज इशू कर रहे हैं, कितना इशू कर रहे हैं और कितने प्राइस पे इशू कर रहे हैं, क्या आपको लेना है तो लो नहीं तो रहने दो। तो लेकिन यहां पे रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस में क्या होता है, हम लोग क्या नहीं करते हैं, क्वांटम या फिर प्राइस का इंफॉर्मेशन नहीं डालते। इसको बुक बिल्डिंग प्रोसेस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बुक बिल्डिंग प्रोसेस। बुक बिल्डिंग प्रोसेस। अब बुक बिल्डिंग प्रोसेस का मतलब क्या होता है? बुक बिल्डिंग प्रोसेस यानी कि हम लोग क्या करते हैं, बस लोगों को बताते हैं कि हम शेयर्स इशू करना चाहते हैं, हम क्या करना चाहते हैं, शेयर्स इशू करना चाहते हैं। अब लोगों के दिमाग में ये हाइप हो जाती है कि ये कंपनी जो है वो शेयर्स लेके आना चाहती है, ठीक है ना, तो वो लोग क्या करते हैं, कंपनी के शेयर्स को अप्लाई करना चालू कर देते हैं। अब इस प्रोसेस में क्या होता है, अगर मान लो कंपनी को पता है कि हम लोगों को 1000 शेयर्स इशू करने हैं, लेकिन कंपनी के 1000 शेयर्स के लिए अगर मान लेते 2000 एप्लीकेशन आ गए तो कंपनी को लगता है कि अपने शेयर्स मार्केट में तो इतने ज्यादा चलते हैं, तो वो लोग क्या करेंगे, पहले 100 रुपए में इशू करना चाहते थे, अब वो 150 में लेके आएंगे, ताकि उनको पता है कि अपने शेयर के लिए मार्केट में बहुत ज्यादा डिमांड है। तो इसको बुक बिल्डिंग प्रोसेस भी बोलते हैं या फिर प्राइस डिस्कवरी मेथड भी बोलते हैं, प्राइस डिस्कवरी मेथड भी बोलते हैं। तो इससे क्या हुआ, कंपनी पहले अगर प्राइस और क्वांटिटी बता देती तो 100 रुपए में भी इश्यू करती, लेकिन यहां पे अभी क्या हुआ, उन्होंने ये बातें ना बताते हुए अपने प्राइस को डिस्कवर किया बाय द मार्केट ट्रेड, और इससे क्या हुआ, 50 रुपए एक्स्ट्रा मिल गए कंपनी को। ठीक है, तो इस प्रकार से वो रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस इशू करते हैं। रेड हेरिंग क्यों बोलते हैं? बिकॉज इस प्रोस्पेक्टस में जो कि बेसिक इंफॉर्मेशन है, क्वांटम एंड प्राइस ऑफ द सिक्योरिटीज टू बी इशूड, ये नहीं होता है। लेकिन हाँ, जब ये रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस इशू करके कंपनी अलॉटमेंट वगैरह कर देती है, तो जब ये ऑफर क्लोज हो जाता है, यानी लोगों को पता भी तो चलना चाहिए कि कितने प्राइस पे हमको शेयर्स मिल रहे हैं, बिकॉज पैसे लोगों को पैसे भी लेने हैं। तो जब ये ऑफर क्लोज हो जाएगा तो क्लोज ऑफ ऑफर पे कंपनी ने एक फाइनल प्रोस्पेक्टस भी इशू करना है, जिस फाइनल प्रोस्पेक्टस में कंपनी जो है वो क्वांटिटी और प्राइस दोनों इंफॉर्मेशन दे देगी, यानी कि अलॉटमेंट किस प्राइस पे होना है और कितना अलॉटमेंट होना है ये भी उस फाइनल प्रोस्पेक्टस में क्या करेगा, लोगों को पता चलेगा, और ये फाइनल प्रोस्पेक्टस आरओसी, सेबी या फिर जो भी अथॉरिटी है वहां पे सबमिट होगा। नेक्स्ट प्रोस्पेक्टस है एक एवरेज प्रोस्पेक्टस। ये एवरेज प्रोस्पेक्टस कोई एक प्रकार नहीं है, जैसे कि ऊपर सेल प्रोस्पेक्टस और रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस जैसे एक अलग अलग प्रकार के सॉफ्ट प्रोस्पेक्टस है, वैसे ये एवरेज प्रोस्पेक्टस किसी प्रकार का प्रोस्पेक्टस नहीं है। लेकिन यहाँ पे देखो, अगर प्रोस्पेक्टस की बात करता हूं तो ये 500 पन्नों से लेके 1000 पन्नों का हो सकता है, पेजेस का हो सकता है। और अगर एवरी पर्सन को हम लोग ये 500 और 1000 पन्नों का अगर प्रोस्पेक्टस इशू करने जाएंगे तो कंपनी जो पैसे उठाना चाहती है उतना पैसा तो कंपनी के प्रिंटिंग में चला जाएगा, और खाली पीली क्या है, पेजेस का वेस्ट है, ये सुनो। तो इसलिए ये जो 1000 और 500 पन्नों का जो ओरिजिनल प्रोस्पेक्टस है, इसका एक समरी फॉर्म हम लोग बनाते हैं, ओके, और लोगों के 500-1000 पेजेस दे दो, लोग पढ़ते कहाँ पे है, लोगों को क्या बस इंपॉर्टेंट मटेरियल फैक्ट्स की जरूरत है, जिसको पढ़ के वो लोग डिसाइड करेंगे कि इन्वेस्ट करना है नहीं करना है। तो इसलिए इनके लिए एक समरी प्रोस्पेक्टस बनाया जाता है, जिसको बोलते हैं एवरेज प्रोस्पेक्टस, ओके, जो शॉर्ट में प्रोस्पेक्टस होता है। तो 500 पन्नों का हम लोग 50 पन्नों में बनाएंगे और लोगों को इशू करेंगे। जिसको मेन प्रोस्पेक्टस चाहिए अप्लाई करो, हम दे देंगे, लेकिन उस 50 पन्नों में कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन होना चाहिए जो कि बहुत मटेरियल है और बहुत ही जरूरी है फॉर टेकिंग द डिसीजन टू द इन्वेस्टर्स। मेमोरेंडम कंटेंट सैलिएंट फीचर यानी कि कुछ ठळक वैशिष्ट्य बोलते हैं इसको, ठीक है ना, कुछ होनी चाहिए जो प्रोस्पेक्टस में इंफॉर्मेशन लोग ज्यादा अमूमन तौर पे पढ़ते हैं, वो इंफॉर्मेशन इस समरी प्रोस्पेक्टस में एवरेज प्रोस्पेक्टस में लिख देंगे, एज में स्पेसिफाइड बाय सेबी ने बोला है कि ये इंफॉर्मेशन आपके एवरेज प्रोस्पेक्टस में होनी चाहिए। अब एवरेज प्रोस्पेक्टस इशू क्या है, इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी को नॉर्मल प्रोस्पेक्टस जो कंटेंट ऑफ प्रोस्पेक्टस सेक्शन 26 में बोला है वो इशू करने की जरूरत नहीं, वो भी कंपनी ने बना के रखना है, जिस किसी को भी चाहिए वो कंपनी को अप्लाई कर देगा। तो ये 3 प्रकार के प्रोस्पेक्टस है जो हमने खत्म कर लिए। ठीक है, अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको सेक्शंस बताना चाहूंगा। अरे कहाँ पे गया, यस अगर मान लेते हैं आपने प्रोस्पेक्टस में मिसस्टेटमेंट कर लिया, ओके, प्रोस्पेक्टस में हमने देखा था ना कि कंटेंट्स क्या क्या होता है। अगर आपने प्रोस्पेक्टस में जानबूझ के मिसस्टेटमेंट किया, मिसस्टेटमेंट यानी कि आपने गलत झूठी इंफॉर्मेशन दी कि कंपनी लॉस में चल रही है लेकिन आपने प्रॉफिट में बोला, ये बहुत बड़ा मिसस्टेटमेंट है। लोगों को लगा क्या कंपनी प्रॉफिट कमा रही है, चलो 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 इन्वेस्ट करते। अगर आपने ऐसी गलत इंफॉर्मेशन प्रोस्पेक्टस में लिखी तो आपके ऊपर सिविल लायबिलिटी भी हो सकती है और क्रिमिनल लायबिलिटी भी हो सकती है। अब सिविल लायबिलिटी का मतलब क्या है, आपको सिविल प्रोसीजर फॉर कोड सीआरपीसी के अंतर्गत आपको क्या होगा, आपको सजा होगी। और अगर क्रिमिनल सॉरी सिविल लायबिलिटी और क्रिमिनल लायबिलिटी की तो आपको क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, ओके, तो इसके अंतर्गत आपको क्या होगी, सजा होगी। तो ये सिविल लायबिलिटी क्या है, क्रिमिनल लायबिलिटी क्या है, ये देखते हैं। अगर मैं बात करूंगा तो सिविल लायबिलिटी, क्रिमिनल लायबिलिटी, सिविल लायबिलिटी में जेल होना पॉसिबल नहीं है लेकिन क्रिमिनल लायबिलिटी में जेल होगी ही होगी, ओके। अब क्रिमिनल लायबिलिटी क्या क्या है, एवरी पर्सन ऑथोराइज्ड टू इशू द प्रोस्पेक्टस, तो उसको पनिशेबल होगा सेक्शन 447 के अंदर। सेक्शन 447 के अंदर क्या होगा बोलो, उसको पनिशमेंट मिलेगी। अगर मान लेते हैं कोई बंदा जो कि जिसको क्रिमिनल लायबिलिटी जिसके ऊपर फिक्स किया हुआ है, अगर उसको इससे बचना है तो वो क्या करेगा, वो बोलेगा, वो उसने प्रूव करना है कि जो भी मिसस्टेटमेंट हुआ है वो इमटेरियल है। भाई क्या कैसा इमटेरियल मिसस्टेटमेंट निकाला तुमने? फॉर एग्जांपल मान लो उसने बोला कि जो कंपनी का जो प्रॉफिट है, ओके, वो एक्चुअली में इतना है, कितना है 41000000.23, ओके, और उसने लिखा कितना, कंपनी इज अर्निंग प्रॉफिट ऑफ रुपीज 41 लाख। लोगों ने बोला मिसस्टेटमेंट, आपने 23 पैसे का प्रॉफिट दिखाया नहीं। अरे हावले कान दीजिए, कंटा खाएगा, 41 लाख का प्रॉफिट दिखाया नहीं, 23 पैसे का क्या बीच में पीछे पड़ा है तू। तो इसलिए अगर वो बोलेगा नहीं ये तो इमटेरियल है मिसस्टेटमेंट, तो वो बच सकता है। या फिर उसने कुछ रीजनेबल ग्राउंड प्रोवाइड करे, यानी कि मैं था ही नहीं उस टाइम पे, मैं तो बिजनेस के सिलसिले में मैं तो अब्रॉड गया हुआ था और लॉकडाउन लगा, मैं वहां पे था और मुझको तो पता ही नहीं कि कंपनी क्या क्या है, मुझको तो पता ही नहीं, आई एम अननोन अबाउट द फैक्ट। तो कुछ ऐसे ग्राउंड्स उसने अगर बताया तो वो क्या हो सकता है, और मैं प्रूव हो गया तो वो इस क्रिमिनल लायबिलिटी से बच सकता है। सेक्शन 447 की पेनल्टी आपको पता है ना। अगर आपको सेक्शन 447 के ऊपर एक सेपरेट वीडियो चाहिए ना तो मुझको प्लीज कमेंट बॉक्स में डाल देना कि सर प्लीज मेक अस वीडियो ऑन सेक्शन नंबर 447, आई विल मेक द वीडियो, ओके, बिकॉज़ आई नो सेक्शन 447 की पेनल्टी थोड़ी सी अडियंस है, ठीक है। तो सेक्शन 447 के ऊपर अगर किसी को सेक्शन सेपरेट से वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में डाल दो सर कि प्लीज हमको 447 का वीडियो दे दो, मैं वापस से उसको सेपरेटली वीडियो को रिकॉर्ड करके दे दूंगा। उसके बाद सिविल लायबिलिटी। अब एवरी कंपनी डायरेक्टर्स एंड प्रपोज्ड डायरेक्टर प्रमोटर एक्सपर्ट हु वन हु इज ऑथराइज्ड, किसी को पेनल्टी देखो, कंपनी को पेनल्टी है, यहाँ पे कंपनी लिखा है क्या, नहीं, यहाँ पे ओनली द पर्सन, वाइन को यहाँ पे जेल भी हो सकती है, सिविल लायबिलिटी को मॉनेटरी पेनल्टी हो सकती है। तो कंपनी साथ साथ डायरेक्टर्स, प्रपोज्ड डायरेक्टर्स, प्रमोटर कंपनी के एक्सपर्ट जिनका नाम एक्सपर्ट करके लिखा हुआ है उनके ऊपर क्या पेनल्टी है, उनको क्या करना है, कॉम्पेंसेशन देना है। मतलब आपके मिसस्टेटमेंट की वजह से जिस किसी भी बंदे को नुकसान हुआ है उसका जितना भी नुकसान हुआ है, जितने भी डैमेजेस है, वो आपने कॉम्पेंसेशन के तौर पे हर एक बंदे को दे देने हैं, ठीक है। डिफेंस क्या अवेलेबल है, वो डिफेंस अगर डायरेक्टर को इस सिविल लायबिलिटी से बचना है तो उसने प्रूव करना है कि मैंने प्रोस्पेक्टस इशू करने से पहले एज अ डायरेक्टर इस कंपनी से विड्रॉ कर लिया है। उसके बाद बिलीव्ड ऑन कंसेंट अंडर सेक्शन 25, 26 सबसेक्शन 5। अब ये चीज क्या है, सेक्शन 26 सबसेक्शन 5 में एक्सपर्ट के ओपिनियन के बारे में बताया, एक्सपर्ट ओपिनियन, ओके। एक्सपर्ट मतलब कौन है, जिन लोगों ने क्या किया है, कंपनी को प्रोस्पेक्टस इशू करने में मदद की है, या फिर प्रोस्पेक्टस में जो भी बातें लिखी हुई है वो एक्सपर्ट के रिपोर्ट से आई हुई है। और डायरेक्टर ये बोलते हैं या फिर प्रमोटर ये बोलता है या फिर कोई भी बंदा बोलता है कि मैंने तो एक्सपर्ट के रिपोर्ट के ऊपर विश्वास रख के ये बातें बोली थी, मुझको क्या पता है सही है गलत है। जैसे कि एक्चुअल वैल्यूएशन हो गया, किसी सीए ने सर्टिफाई करके नहीं ये वैल्यूएशन बराबर है, तो मुझको, मैं तो एक्सपर्ट नहीं हूँ इस चीज में, मैं तो टेक्निकल बंदा हूँ, मैं तो टेक्निकल डायरेक्टर हूँ और मुझको लगा कि उसका सही बात है उसने मैंने बोला हाँ सही है, तो मैं नहीं उसको बोलूँ, एक्सपर्ट को पकड़ो। सेक्शन 26 सबसेक्शन 5 में जो एक्सपर्ट का रिपोर्ट है उसके ऊपर विश्वास रखके मैंने अगर ये स्टेटमेंट दिया है एंड दैट टर्न्स टू मिसस्टेटमेंट, तो मेरे ऊपर किसी प्रकार की पेनल्टी नहीं आएगी। या फिर वो बोलेगा कि इशू जो हुआ है वो मेरे नॉलेज के बिना हुआ है और पब्लिक नोटिस मैंने उसके यहाँ पे दे दिया है कि जब भी मुझको पता चला कि ये ऐसा प्रोस्पेक्टस इशू हुआ है और उसके बाद मैंने पब्लिक नोटिस भी दे दिया है कि ऐसा प्रोस्पेक्टस इशू हुआ है जिसमें ये गलती है और मैं इसके लिए जिम्मेवार नहीं हूँ, तो अगर ऐसा मैंने किया हुआ है तो मैं इस सिविल लायबिलिटी से भी बच सकता हूँ। मार्क दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, बिकॉज एग्जाम में इसके ऊपर भी सवाल आए हुए हैं, ओके। चलो, अब प्रोस्पेक्टस तो इशू हो गया। अब प्रोस्पेक्टस इशू करने के टाइम पे लोग मुझको अप्लाई करेंगे, लोग जब मुझको अप्लाई करेंगे तब मैंने उनको क्या करना है, सिक्योरिटीज भी तो अलॉट करनी है, Yes or no? तो सिक्योरिटी जो अलॉट करनी है मैंने वो किस प्रकार से होगी, क्या प्रोसीजर है अलॉटमेंट का, बिकॉज लोग मुझको अप्लाई करेंगे ना, आई हैव टू अलॉट द सिक्योरिटी बिकॉज अभी मेरे पास एप्लीकेशन आ चुके हैं। देखो यहाँ पे जैसे ही मैंने प्रोस्पेक्टिव इशू किया, लोगों ने अप्लाई करना चालू किया, अब मुझको अलॉटमेंट करना है, तो प्रोसीजर क्या है? तो अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटी तभी होगा, कंडीशन देखो, व्हेन द मिनिमम अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन हैज बीन रिसीव्ड। अब ये मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्या होता है? देखो प्रोस्पेक्टस में मैं लिखूंगा कि सपोज मान लेते हैं मैंने कुछ 200 शेयर्स इशू करने, अमूमन ओके मैंने एग्जांपल के तौर पे लिया है 200 शेयर्स का मैंने प्रोस्पेक्टस इशू किया कि आई वांट टू सेल 200 शेयर्स। तो यहां पे प्रोस्पेक्टस में लिखा जाएगा कि इतने इतने नंबर ऑफ शेयर्स, अगर इतने नंबर ऑफ शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आ गया तो ही मैं लोगों को अलॉटमेंट करूंगा, अदरवाइज अलॉटमेंट नहीं करूंगा। तो यहां पे लिखा मैंने कि अगर 150 शेयर्स का एप्लीकेशन आ गया तो ही मैं अलॉटमेंट करूंगा, अदरवाइज नहीं करूंगा। तो प्रोस्पेक्टस में ही लिखा जाएगा कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना है, उसके बाद अलॉटमेंट होगा। लेकिन सेबी बोलता है कि आपका मिनिमम जो सब्सक्रिप्शन है वो 90% होना चाहिए, यानी कि 180 शेयर, 180 कैसे आए 200 का 90%, सो 180 शेयर्स का आपका एप्लीकेशन मिलना चाहिए, तभी जाके आप अलॉटमेंट करोगे, अदरवाइज नहीं करोगे। ओके, तो आज के दिन पे 90% लिमिट इज व्हाट द मिनिमम सब्सक्रिप्शन लिमिट। सो 90% अगर आपको सब्सक्रिप्शन आया हुआ है तभी आप अलॉट के लिए जा सकते हो। साथ साथ एंड 90% लोगों ने मिनिमम एप्लीकेशन मनी तो दे देना है। अरे फोकट में लोग बोलेंगे नहीं 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 मुझको शेयर दे दो, अरे ऐसे नहीं होते बेटा, तूने मुझको पहला पैसा देना है। तो मिनिमम एप्लीकेशन मनी कितना होता है 5%, सेबी नहीं बोला 5%। हाँ, आप प्रोस्पेक्टस में कुछ और लिख सकते हो लेकिन वो आपके लिए लागू नहीं है, आपको 5% ही लेना पड़ेगा। सो 90% मिनिमम एप्लीकेशन आनी चाहिए और उन लोगों ने मुझको 5% ऑफ इशू प्राइस का क्या करना है, मुझको जो है वो पैसा उस एप्लीकेशन के साथ मुझको दे देना है। जैसे कि मान ले 200 शेयर्स है और मैंने क्या किया 10 रुपए का शेयर प्रीमियम 40 रुपए ऐड करके 50 रुपए में इशू प्राइस कर लिया मैंने, तो 50 का 5% कितना होता है 2.5 रुपीज। तो एवरी एप्लीकेंट शुड गिव मी एटलीस्ट 180 एप्लीकेंट शुड गिव मी 2.5 रुपीज पर एप्लीकेशन। क्लियर है? उसके बाद अगर ये होता है तभी अलॉटमेंट का प्रोसीजर चालू होगा, अदरवाइज अलॉटमेंट नहीं होगा। अगर मान लेते हैं ये मिनिमम सब्सक्रिप्शन और एप्लीकेशन मनी कंपनी को नहीं मिलते तो क्या? तो जैसे ही मुझको ये मिनिमम नहीं मिले, जैसे फॉर एग्जांपल 150 आने चाहिए थे लेकिन मुझको 100 शेयर के लिए ही क्या आ गए बोलो एप्लीकेशन आ गए, तो ये इशू जो है वो फेल हो जाएगा। और जो 100 लोगों से मैंने 2 रुपए 50 पैसे वगैरह लिए हैं, यानी कि कुल मिलाकर 250 रुपए लिए हैं, वो मैंने अगले 30 दिन के अंदर within the 30 days from the date of issue of prospectus मैंने क्या करना है वो वापस देना है। इसका मतलब ये है मोटामोटी कि prospectus issue करने के 30 दिन के अंदर अंदर मुझको मिनिमम सब्सक्रिप्शन मिलना चाहिए, और अगर नहीं मिलता है तो मैंने prospectus issue करने के 30 दिन के अंदर ही वो पैसा क्या करना है बोलो रिफंड करना है अगले 15 दिन के अंदर। यानी कि प्रोस्पेक्टस इशू हुआ मान लेते 1 तारीख, तो अगले 30 दिन के अंदर मुझको मिनिमम सब्सक्रिप्शन मिलना चाहिए, मिनिमम एप्लीकेशन मनी आना चाहिए, और अगर नहीं आया तो उसके अगले 15 दिन के अंदर मैंने वो पैसे वापस कर देने हैं, और अगर आते हैं तो मैंने अलॉटमेंट कर देना है, और अलॉटमेंट करने के बाद मैंने क्या करना है रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट सबमिट कर देना है किसको रजिस्ट्रार को। ठीक है, और अगर ये करने में फेल हो जाता हूं तो कंपनी के ऊपर 1000 पर डे की पेनल्टी या फिर 1 लाख लेस, ये पेनल्टी मेरे ऊपर ठोक सकती है। क्लियर है? ओके, तो ये रहा क्या बोलो अपने अलॉटमेंट का प्रोसीजर। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट, ये तो होगी बात पब्लिक कंपनी की। पब्लिक कंपनी किस प्रकार से अलॉटमेंट करती है, किस प्रकार से प्रोस्पेक्टस इशू करती है, प्रोस्पेक्टस में क्या क्या बातें होगी, प्रोस्पेक्टस इशू करने के बाद अलॉटमेंट किस प्रकार से होगा। अब आते हैं प्राइवेट प्लेसमेंट के पास। नाउ व्हाट इज प्राइवेट प्लेसमेंट? अब प्राइवेट प्लेसमेंट का थोड़ा सा मीनिंग हमको समझना पड़ेगा, व्हाट इज दिस प्राइवेट प्लेसमेंट। अब देखो मैंने ऊपर ही बताया था आपको कि प्राइवेट प्लेसमेंट कर सकती है प्राइवेट कंपनी भी और पब्लिक कंपनी भी। ठीक है, अब प्राइवेट प्लेसमेंट चीज क्या है? प्राइवेट प्लेसमेंट मतलब कि एक ऐसा प्लेसमेंट, एक ऐसे इश्यू ऑफ सिक्योरिटीज जिसमें कंपनी पब्लिक से सब्सक्रिप्शन इनवाइट नहीं करती है, कंपनी बस उन्हीं लोगों को सिक्योरिटीज अलॉट करती है या इशू करती है जिनका नाम हमने पहले से ही डिसाइड कर लिया है। अब अगर मैं पब्लिक को इश्यू करता हूं, पब्लिक कंपनी पब्लिक को इश्यू करती है, तो सीन कैसा होता है? कंपनी प्रोस्पेक्टस इश्यू करती है, उसको देख के जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं पब्लिक एट लार्ज, तो वो अप्लाई करते हैं, कंपनी लिस्ट बनाती है, हाँ ये लोगों ने एप्लीकेशन दिया है, किसको कितना देना है कंपनी डिसाइड करती है। लेकिन प्राइवेट प्लेसमेंट में उल्टा होता है, कंपनी पहले जिनको इश्यू करना है उसका लिस्ट फाइनलाइज करती है और उनको ऑफर देती है, वो चाहे तो अप्लाई करे ना चाहे तो छोड़ दे। क्लियर है बात। हाँ, ये पब्लिक कंपनी भी कर सकती है, ये प्राइवेट कंपनी भी कर सकती है। पब्लिक कंपनी के पास भी ये ऑप्शन अवेलेबल है। तो देखो यहाँ पे प्राइवेट प्लेसमेंट क्या है, ए प्राइवेट प्लेसमेंट इज अ वे ऑफ रेजिंग कैपिटल दैट इन्वॉल्व्स द सेल ऑफ सिक्योरिटीज टू रिलेटिवली स्मॉल नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स। A private placement is different from public issue in which the securities are made available for sale on the open market to any type of the investors. Now section 42 कहता है that any offer or invitation to subscribe or issue of securities to select group of person, select group of person यानी कि already select group of persons other than by way of public offer, तो ये public offer नहीं होती है, through private placement cum offer application। तो यहाँ पे आपको PPOA, OA, OA, PPOA याद रखना इस बात को। मैं जोक कर रहा हूं लेकिन याद रखने का तरीका है PPOA, OA, OA, PPOA, यानी कि सेक्शन 42 के अंतर्गत अगर प्राइवेट प्लेसमेंट के जरिए कंपनी को सिक्योरिटीज इशू करने हैं तो जो लोगों को हमने सिलेक्ट किया है उन लोगों को कंपनी को कुछ लेटर भी तो भेजना है कि हम आपको इशू करना चाहते हैं। जैसे पब्लिक ऑफर में कंपनी प्रोस्पेक्टस देती थी तो ऐसे यहाँ पे देखो कंपनी ने प्रोस्पेक्टस नहीं देना है, यहाँ पे कंपनी ने PPOA, OA, OA, PPOA, OA, OA, PPOA। व्हाट इज PPOA? प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर कम एप्लीकेशन। पहले ये PPOL हुआ करता था लेकिन अभी अमेंड होकर PPOA हो गया है। तो ये इशू करेंगे, ये लोगों को क्या करना पड़ेगा, ये लोग जो हमने सिलेक्ट किए हैं ये कितने हो सकते हैं, ये मोर देन 200 नहीं हो सकते, यानी कि एक फाइनेंशियल ईयर में कंपनी प्राइवेट प्लेसमेंट बस 200 लोगों को ही कर सकती है। अभी 200 लोगों में कौन कौन नहीं आते, इसमें क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर जैसे कि LIC हो गया, SBI हो गया, ये बड़े म्यूचुअल फंड कंपनीज हो गए, ये कंपनी बड़े बड़े कंपनीज है, ये 200 में नहीं गिने जाते। यानी कि 200 बस प्योर इन्वेस्टर्स होने चाहिए, छोटे छोटे इन्वेस्टर्स। अगर बड़े बड़े इन्वेस्टर्स को हम लोग दे रहे हैं तो ये 200 में नहीं आएंगे। और एम्प्लॉइज ऑफ द कंपनी अंडर द स्कीम ऑफ एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, तो इस शॉप के अंदर अगर हम लोग एम्प्लॉइज को इशू कर रहे हैं तो ये 200 में नहीं आएंगे। इसको छोड़ के अदर देन पीपल अगर है तो उसको 200 में हम लोग गिनेंगे। ठीक है, अब ये 200 लोगों को सिलेक्ट करने का तरीका कैसे है, पहले कंपनी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर लिस्ट बनाती है, उसको जनरल मीटिंग में रखती है और जनरल मीटिंग के स्पेशल रेजोल्यूशन से ये लिस्ट फाइनलाइज होती है और उसके बाद ये PPOA उनको इशू होता है। ठीक है, सो आइडेंटिफाई पर्सन में सब्सक्राइब टू द प्राइवेट प्लेसमेंट इशू शैल अप्लाई इन द प्राइवेट प्लेसमेंट एंड एप्लीकेशन इशू टू सच पर्सन अलॉन्ग विद द मनी पेड इधर बाय चेक और डिमांड ड्राफ्ट और अदर बैंकिंग चैनल। तो जो लोगों को हमने PPOA इशू किया है वो लोग क्या करेंगे, चाहे तो अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, इनके ऊपर जरूरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है कि वो लोग अप्लाई करें। अगर करना चाहते हैं तो एप्लीकेशन मनी दे दे, कितना, 5%, और वो कैसे देंगे, चेक, डिमांड ड्राफ्ट या फिर जो भी आपका नॉर्मल बैंकिंग है उसे दे दे। अब जो पैसे हमने उठाए हैं प्राइवेट प्लेसमेंट के जरिए इट शुड नॉट बी यूटिलाइज्ड फॉर द पर्पस अदर देन द ऑब्जेक्ट फॉर विच इट इज रेस्ड। तो ये पब्लिक ऑफर के भी लागू है और प्राइवेट प्लेसमेंट के भी लागू है। द कंपनी शैल नॉट यूटिलाइज द मनी रेज थ्रू प्राइवेट प्लेसमेंट अनलेस अलॉटमेंट इज मेड। तो जब तक अलॉटमेंट नहीं होता ये पैसा इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये पब्लिक ऑफर के लिए भी लागू है। तो जब तक अलॉटमेंट नहीं होता है और रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट फाइल नहीं होता रजिस्टर के पास, भले वो पब्लिक ऑफर हो भले वो प्राइवेट प्लेसमेंट हो, तब तक कंपनी उसका इस्तेमाल उस पर्पज के लिए भी नहीं कर सकती जिस पर्पज के लिए उन्होंने उठाया है। तो कंपनी शैल फाइल द रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट विद इन द पीरियड ऑफ 15 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट। ये पब्लिक ऑफर के लिए भी लागू है। तो यहाँ पे हमने जो देखा था ना, कहाँ पे देखा था, यस, तो यहाँ पे जो रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट हम लोग कर रहे हैं तो अलॉटमेंट के बाद कंपनी जब कभी भी अलॉटमेंट करेगी, अलॉटमेंट के बाद 15 दिन के अंदर ये रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट क्या करना है, बोलो, रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट कंपनी ने भरना है। ये पब्लिक ऑफर के लिए भी इंपॉर्टेंट है, लागू है और प्राइवेट प्लेसमेंट के लिए भी लागू हो जाता है। कंपनी शैल इशू प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर कम एप्लीकेशन लेटर ओनली आफ्टर द रिलेवेंट स्पेशल रेजोल्यूशन बोर्ड। तो यहां पे लेटर नहीं है, एप्लीकेशन। तो यस पर PPOA, यस सुनो, प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर कम एप्लीकेशन लेटर यहां पे नहीं है, PPOA नहीं है। Yes, any private placement issue not made in compliance with provision shall be deemed to be a public offer. Yes, तो अगर आपने प्राइवेट प्लेसमेंट के जरिए, आप बोल रहे हो कि प्राइवेट प्लेसमेंट है लेकिन एक्चुअली ये पब्लिक ऑफर जैसा ही लग रहा है, जैसे कि मान लेते हैं कि आपने पहले लोकल लिस्ट फाइनलाइज किया और डायरेक्टली आपने PPOA इशू किया और फिर एक्सपेंस से उठा रहे हैं, तो ये प्राइवेट प्लेसमेंट नहीं है, ये पब्लिक ऑफर माना जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? प्राइवेट प्लेसमेंट में लोकल लिस्ट पहले फाइनलाइज होना है, मतलब ये बस सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सन के लिए होता है। मान लीजिए आपने प्राइवेट प्लेसमेंट किया 250 लोगों को, ओके, जिसमें ना इंस्टीट्यूशन बाहर आते हैं ना कि आपके इशू आते हैं, ये नॉर्मल लोग हैं जो 250 लोगों ने क्या किया है, इसको 250 लोगों का अपने इशू किया, 250 लोगों ने ऐसे 200 से ज्यादा हो गया, आप ये प्राइवेट प्लेसमेंट ना मानते हुए पब्लिक ऑफर मानेंगे और पब्लिक ऑफर करने के जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है सेक्शन 23 से लेकर सेक्शन 41 तक वो सारे इसको लागू हो जाएंगे। प्राइवेट प्लेसमेंट के कुछ भी रूल्स को लागू नहीं हो जाएंगे। इट विल बी डीम्ड एज अ पब्लिक ऑफर। क्लियर है? सेबी सहारा के केस में सेम केस हुआ था, ठीक है ना, मैंने इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाया है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, अगर किसी को वो वीडियो देखना है तो वहां पे जाके देख सकता है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अलॉटमेंट का प्रोसीजर क्या होता है ये देखते हैं। अलॉटमेंट करना है ये हमने पढ़ लिया, अलॉटमेंट के बाद 15 दिन के अंदर रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट देना है ये देख लिया, लेकिन एक्चुअली अलॉटमेंट होता कैसे, तो यहाँ पे देखो अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटी अंडर प्राइवेट प्लेसमेंट। तो विद इन 60 डेज फ्रॉम द रिसीट ऑफ द एप्लीकेशन मनी, जैसे ही पैसे आते हैं अगले 60 दिन के अंदर कंपनी क्या करेगा, अलॉटमेंट कर देगा। अगर कंपनी अगले 60 दिन के अंदर अलॉटमेंट नहीं करता है तो उन्होंने क्या करना है, आफ्टर एक्सपायरी ऑफ द 60 डे यानी कि 61st डे से, 61st डे से कंपनी इज लायबल टू रीपे दैट ओके विद द इंटरेस्ट ऑफ 12% पर एनम फ्रॉम द एक्सपायरी ऑफ 60th डे। तो 60 दिन के अंदर कंपनी के पास 15 दिन है टू पे, यानी कि 60 के बाद 15 यानी कि 75th डे तक आपके पास वो पैसा पड़ा है। लेकिन अगर आपने 75th डे तक पेमेंट नहीं किया तो 60 डे के एंड से यानी कि 61st डे से आपको 12% का इंटरेस्ट लगेगा। भले आपने 90 डे पे दिया तो 60 यानी कि 30 डेज के लिए आपको 12% का इंटरेस्ट लगेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है बच्चों कि ये जो 12% का इंटरेस्ट लग रहा है वो 60th डे के एंड यानी कि 61st डे से लग रहा है, ना कि 76th डे से, जो कि आपके पास 15 दिन अवेलेबल है टू रीपे। अगर आपने इसके बीच में यानी कि किसी ने मान लीजिए 70 डे पे किया तो इंटरेस्ट नहीं लगेगा। अगर 75th डे तक भी इंटरेस्ट पे नहीं आपने रीपे नहीं किया तो फिर आपके ऊपर ये लायबिलिटी है कि आपको सजा हो, आपको 12% पर एनम के इंटरेस्ट के मुताबिक ही आपको क्या करना पड़ेगा, इसका इंटरेस्ट जो है और एप्लीकेशन मनी वापस देना पड़ेगा। यहां तक क्लियर है, एनी डाउट? आगे बढ़ते हैं। यस, तो यहां पे खत्म हुआ अपना रिवीजन फॉर चैप्टर प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट। अगेन इंपॉर्टेंट चैप्टर है बच्चों, इसमें से आपको सवाल जरूर बन सकता है। इसमें जो छोटे छोटे सेक्शंस हैं, ठीक है ना, जिसको हमने कवर नहीं किया है, दैट इज नॉट सो इंपॉर्टेंट एंड दैट इज नॉट रेलेवेंट टू टेक इनटू द कंसिडरेशन फॉर द रिवीजन पर्पस दैट यू कैन डू एट ओरियन यानी कि सिक्योरिटीज टू बी डेल्ट एट द स्टॉक एक्सचेंज वगैरह वगैरह, ठीक है। तो ये छोटे छोटे सेक्शंस हैं जो मैंने कवर नहीं करवाया है इन द रिवीजन। यस, आप उसको घर पे जरूर रिवाइज करेंगे और साथ साथ जो मैंने अभी रिवाइज किया उसको भी रिवाइज कर सकते हो। ओके, चलो, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ जिसमें हम लोग और भी बहुत सारे चैप्टर्स को रिवाइज करेंगे। तो स्टे इन ट्यून विद द एलिट प्रोफेशनल एकेडमी एंड द लॉपदी सीए मोहित प्रजापति फॉर द रिवीजन ऑफ द सीए फाउंडेशन, सॉरी सीए इंटरलॉ फाउंडेशन भी सिखाता हूं मैं। तो सीए इंटरलॉ के रिवीजन के लिए आप जरूर मेरे साथ रहेंगे। हाँ, हमने फाउंडेशन के भी रिवीजन को स्टार्ट किया है, अगर आपके कुछ फाउंडेशन के बच्चे हैं तो मेरे फाउंडेशन का जो वीडियो है वो आप उनके साथ शेयर कर सकते हो। ओके, चलो, सो बाय बाय, टिल देन सायोनारा, स्टे होम, स्टे सेफ।